नमस्कार दोस्तों, मैं आज महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में आया हूँ और उस्मानाबाद ज़िले के सिंगोली गांव में आप ये दृश्य देख रहे हैं जहां पर आज भी बैलों से बुआई की जाती है। ये किसान कितनी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुआई कर रहे हैं खेतों की, और बैलों की दो जोड़ियाँ एक ही खेत में बुआई कर रही हैं। अब ये जो बाबा बैल से बुआई कर रहे हैं, इनसे हम ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे कि ये दिन भर में कौन सी फसल उगाते हैं और कितनी खेती ये उगा पाते हैं, कितनी खेती में बुआई कर लेते हैं। ये सारी जानकारी मैं आज इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर वाला ब्लॉग चैनल और मैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में ये जो मेहनत करके इतनी खून पसीने से कमाई खाते हैं अपनी, वो किसान इस तरीके से बैलों से बुआई करते हैं आज भी इस उस्मानाबाद जिले में। तो यहाँ पर एक बाबा हैं जो बैल से बुआई कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे किस चीज की यानी किस फसल की बुआई कर रहे हैं, दिन भर में कितनी खेती की बुआई करते हैं और किस तरीके से बैलों को पालते हैं, किस तरीके से बैलों का रख रखाव करते हैं, ये जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले बाबा आप अपना नाम बताइए। गोविंद धनाजी चौहान। गोविंद धनाजी चौहान बाबा का नाम है। और इसके अलावा बाबा के साथ में बीज बिखारने वाले एक और हैं, तो आपका नाम क्या है सर? मोतीराम शिवाज यादव। मोतीराम जी शिवाज यादव राणा जगेदरवाड़ी जी, शिवाजी यादव। हाँ। मोतीराम शिवाजी यादव ये हैं। और एक और बाबा जो है ये सफाई कर रहे हैं दूसरी जोड़ी लेकर। हाँ, तो बाबा आप भी अपना नाम बताइए दर्शकों को। शिवाजी लिम्बा यादव। सिमाजी लिम्बाज यादव। हाँ, बिल्कुल लिम्बाज यादव यादव है। हाँ। जी, तो बाबा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए ये किस चीज की बुआई फिलहाल आप कर रहे हैं? हम सोयाबीन पेर रहे हैं। जी जी जी। हाँ। आप देखेंगे सबसे बढ़िया यहाँ पर सोयाबीन की कृषि की जा रही है। हाँ। सोयाबीन बोया जा रहा है, सोयाबीन जो प्रोटीन और विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है, और सोयाबीन की बड़ी और सोयाबीन का तेल बहुत ही फेमस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सोयाबीन की खेती यहाँ पर की जा रही है खेत में, आप देख सकते हैं, और बैलों से ही बुआई की जा रही है सबसे बड़ी बात। इसके अलावा बाबा दिन भर में आप कितने खेत की बुआई कर देते हैं? हाँ, 5 एकड़ करते हैं। 5 एकड़ की, 5 से 6 एकड़ की दिन भर में बुआई कर लेते हैं। जी बाबा आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी कैमरे के सामने आ जाओ। जैसा कि ऑल इंडिया में आप देख रहे हैं इन किसानों की मेहनत किस तरीके से आज भी सबसे ज्यादा यांत्रिकरण हो गया है देश भर में, जहां पर लोग अपनी मशीनों से यानी कि ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, वहीं पर ये बाबा कितने खून पसीने से अपनी मेहनत के बलबूते पर सोयाबीन की कृषि कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर बाबा का, जैसे ही सोयाबीन बोना का मैंने देखा तो ये खेत लगभग कितने एकड़ का खेत है बाबा? ये 1.5 एकड़ का टुकड़ा, 1.5 एकड़ का ही टुकड़ा। अच्छा, ये टुकड़ा जो बोया जा रहा है वो 1.5 से 2 एकड़ का है। हाँ। और इसमें लगभग सारा खेत बुआई कर दी है मेरे आने से पहले। जी, 1 घंटे में लगभग 1 घंटे में 1.5 से 2 एकड़ का ये खेत बुआई किया है, जिस खेत का दृश्य चारों ओर से आप देख सकते हैं। ये दो अति सुंदर बैलों की जोड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हीरे और मोती जैसी इन बैलों की जोड़ी कितनी जम रही है इस खेत में, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये बैल बाबा की भाषा समझते हैं। बाबा जब भी बैलों को कोई भी आदेश देते हैं तो ये बैल बहुत अच्छी तरीके से बाबा की भाषा को समझ जाते हैं। जब भी बाबा बैलों को डांटते हैं, पुचकारते हैं, जो भी प्यार स्नेह करते हैं, तो ये बैल बाबा की भाषा समझते हैं। जी बाबा, इसके अलावा भारत भर से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? भारत के लोग देख रहे थे, वो हमारे सही वैसे करना पड़ता है वो। जी हाँ जी। हाँ। बाबा जैसे कि कह रहे हैं कि आज भी हमें मेहनत करनी चाहिए और बैलों से ही बुआई करनी चाहिए खेतों में। हाँ। मशीनों से बुआई नहीं करनी चाहिए, मशीनों से जो भी उपज होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हाँ। ये बाबा कहना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से मेहनत के बलबूते पर बुआई करनी चाहिए और अपनी मेहनत से कमाई खानी चाहिए। जी हाँ। तो बाबा आपको ये वीडियो मेरा आना और इस वीडियो में आपको वीडियो में लाना किस तरीके से आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा कि वीडियो ये पूरे भारत के लोग देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जी। हाँ। जैसा कि बाबा का प्यार और स्नेह, मेरा भी मन करता है
क्यों ना इस बाबा की जो इतने मेहनत करते हैं तो पैर छू लूं और मैं पैर कर छू कर आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के पास आया हूं। जी बाबा, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है और दिन भर आप जो इतनी मेहनत करते हैं निश्चित रूप से ही भगवान आपकी जो मेहनत है उसका फल देगा, यही मेरी उम्मीद है। जी बाबा, अभी आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देखेंगे एक बैल की जो जोड़ी है उससे बीज बिखारा जा रहा है, दूसरे बैल की जोड़ी से उसके ऊपर सफाई की जा रही है, मेज लगाई जा रही है इसके। जी ये देखिए, बैल जो है बाबा की भाषा समझते हैं, बाबा जैसा भी समझाते हैं बैल समझ जाते हैं और वापस वहीं से मुड़कर देखिए उसी दिशा में जा रहे हैं। तो बाबा जो भी कहते हैं बैल सारी भाषा समझते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये किसान कितनी मेहनत करते हैं। ये खेत में जो बीज डाला गया है वो उग जाएगा। अभी ये जो बाबा है बैल से बुआई करते हैं, इनसे हम ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। एक मिनट वैसा होते हैं, आप बता दीजिए, सब जानकारी दे दीजिए। म्यूजिक।